सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके एंड्रॉइड फ़ोन में ये एरर आ गया है, द अनफॉर्चुनेटली process.com फोन हैज स्टॉप, तो इस एरर को कैसे रिमूव करना है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले एंड्रॉइड फ़ोन के सेटिंग में जाना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड करना है ऐप्स। उसके बाद हम इस ऐप्स को जो ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है फ़ोन के। तो मैं यहाँ पर फ़ोन को जो है फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये रहा फ़ोन। इसको फाइंड आउट करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर फोर्स स्टॉप के ऊपर इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर कैचे के ऊपर क्लिक कर देना है। सिर्फ आप क्लियर कैचे के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपको जो यहाँ पर परमिशन में जाना है। परमिशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपके पास इतने सारे परमिशन में से कौन सा परमिशन जो है डिसेबल्ड है। तो हम यहाँ पर यह फ़ोन का जो है तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। अगर आपके पास इसमें से कोई भी डिसेबल्ड है तो आप उसको अनेबल कर लीजिए। उसके बाद आप अपने फ़ोन को जो है एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से इस एरर को रिमूव कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।